हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की ये तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की दो क्लासें पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज की क्लास में भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास ही बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ पर्सन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, बताइए भाई। 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में कि 10 सेकंड में, कितनी देर में जो है उस व्यक्ति को वह ट्रेन पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। अब देखो, जब भाई ट्रेन जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करी है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, जो कि जिसकी कोई लेंथ नहीं है, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है अर्थात तो जो व्यक्ति है, अब व्यक्ति भी गतिमान है भाई, ट्रेन भी गतिमान है और व्यक्ति भी भाग रहा है, अर्थात अब दोनों गतिमान है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो वो ऑब्जेक्ट है, जो है व्यक्ति है, उसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है, चूंकि आपको पता है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को या किसी खंभे को पार करती है, तो भाई उस खंभे की, उस पेड़ की, उस व्यक्ति की कोई लंबाई तो है नहीं, तो जो ट्रेन है वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी को चलेगी। जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी, जितनी लंबी ट्रेन है वो अपने लंबाई के बराबर चलेगी। अगर वहां पे कोई पेड़ है तो भी वह अपने लंबाई के बराबर चलेगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, ठीक है ना, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, तो वहां पर बात आती है कि भाई फिर ट्रेन की भी लेंथ है और उस ब्रिज या टनल या उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, ठीक है ना। और यहां पर हम लंबाई को किसमें ले लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी। अब जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, आपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस का मतलब स्पीड, डी का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब हो गया टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखो क्वेश्चन में यह है कि भाई उस व्यक्ति की लेंथ तो नहीं है, अर्थात उसकी डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन अब यहां पर देखो जो व्यक्ति है वो भी गतिमान है, वो भी भाग रहा है और ट्रेन भी गतिमान है, तो अब किस पे फर्क पड़ने वाला है, स्पीड पर। किस पे फर्क पड़ने वाला है, स्पीड पर। लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, ठीक है ना, डिस्टेंस की, अर्थात डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, जो आपके ट्रेन की लेंथ है, ठीक है ना। डिस्टेंस हम किसको मानेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 120 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 मीटर। अब देखो यहां पर हमें बात करनी है रिलेटिव स्पीड की। यहां पे हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, क्यों बात करेंगे, क्योंकि भाई देखो अगर सेम डायरेक्शन दोनों का होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे, तो आपको पता है कि यहां पर जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, तो अगर डायरेक्शन सेम है, समान दिशा है, तो चालें आपस में घट जाती हैं, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, दिशा भिन्न भिन्न है, तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखें, अगर बात करें तो क्या कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ पर्सन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन।
ठीक है ना। तो समान दिशा की बात हो रही है तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपने कहा 62, उस व्यक्ति की स्पीड 8, कितना आ जाएगा ये 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस जो लेंथ है अर्थात जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, टाइमिंग सेकंड बताना है, तो जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। जब मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5/18 का, 5/18 का, तो 18 * 54, 5 * 15 स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम कितना निकल के आएगा, टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर, स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, 15 * 8 = 120, कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकंड का टाइम लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे भाई, जब उस व्यक्ति को वह ट्रेन क्रॉस कर रही है तो व्यक्ति की कोई लेंथ तो है नहीं, ठीक है ना, व्यक्ति की अब स्पीड जरूर है क्योंकि व्यक्ति अब कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, व्यक्ति भी चल रहा है, तो दोनों की दिशा जो है एक है। तो अब यहां पर किसमें फर्क पड़ने वाला था, स्पीड में, डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर स्पीड क्या होगी जी, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। अगर जो है डायरेक्शन डिफरेंट होता तो रिलेटिव स्पीड जब आप निकालते दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाती, क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेकंड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, और एक चीज और याद रखिए, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा, 5/18 गुणा क्यों कर दिया, तो जब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी हो तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। अब जरा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ मैन रनिंग इन फ्रंट ऑफ इट एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, बताइए भाई। अब देखो ट्रेन गतिमान है और वह व्यक्ति भी गतिमान है, लेकिन अब जो व्यक्ति वो ट्रेन के सामने से आ रहा है, देखो भाई अब कहानी इस प्रकार से है, पहले कहानी ये थी कि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे थे, अब कहानी ये है कि भाई ये इधर को जा रहा है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, जो व्यक्ति है इधर, ये सामने, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन की तरफ भागा आ रहा है, ठीक है ना, अर्थात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन जा रही है किधर, व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति जा रहा है ट्रेन की तरफ। तो कह रहा है सामने से आ रहे व्यक्ति को, ठीक है ना, चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को, सामने से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में उसको क्रॉस कर जाएगी। तो आपने कहा अब यहां पर भी स्पीड की बात है, ठीक है, स्पीड में बदलाव होगा, बाकी लेंथ तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई लेंथ ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें डिस्टेंस की, यहां पे अब बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा 200 मीटर, डिस्टेंस मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। पहले क्या था, दोनों का डायरेक्शन एक ही था, जिधर ट्रेन जा रही थी उधर ही व्यक्ति जा रहा था, लेकिन अब क्या कहानी है, जिधर ट्रेन जा रही है उसके सामने से व्यक्ति ट्रेन की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना, तो अब ट्रेन उसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। तो आपने कहा डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड की अगर हम बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें तो हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, और रिलेटिव स्पीड की जब बात करेंगे तो दोनों को जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो जब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पे स्पीड दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो ट्रेन की स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे है,
आदमी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो यह आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। अब जो दूरी है वो मीटर में दी गई है, टाइम सेकंड में पूछा गया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टाइम कितना टाइम लगेगा, तो टी बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 200 मीटर, स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, उसको जो है 10 सेकंड लग जाएगा, 10 सेकंड लगेंगे उसको पार करने में, 10 सेकंड लग जाएगा उसको पार करने में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब जो है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, और जब डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। क्लियर है, जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है, व्यक्ति की स्पीड आपको मालूम है, ट्रेन की स्पीड बताइए कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है कि 75 किलोमीटर पर आवर है कि जो है 55 किलोमीटर पर आवर कि 90 किलोमीटर पर आवर है, कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितनी स्पीड निकल के आएगी ट्रेन की। तो देखिए, अब आपको जो है किसकी स्पीड बतानी है, ट्रेन की, ओके। तो आपने मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज वाई किलोमीटर प्रति और मान ली मीटर पर सेकंड, मान लो मीटर पर सेकंड, हम इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखो भाई जो व्यक्ति की चाल आपको दी गई है कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए, अब वह व्यक्ति जो है ट्रेन की तरफ आ रहा है। यहां पर भी कंडीशन यही है कि जो गतिमान ट्रेन है जिसकी स्पीड हमने मानी है, वाई मीटर पर सेकेंड, वो जिधर जा रही है उसके अपोजिट साइड से एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है, अपोजिट साइड से ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति ट्रेन की तरफ भाग रहा है। अभी इस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो आपने कहा इसकी स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, इसको जरा हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5 × 5/18 तो ये हो जाएगा आपका 25/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा डिस्टेंस है 100 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड तो डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों का, तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा आपका वाई प्लस 25/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 18y + 25/18 मीटर पर सेकंड। यहां तक बात क्लियर है, अब जरा देखो क्या कह रहा है। तो यहां पे जो है हमको टाइम पता है, हमको स्पीड बतानी है ट्रेन की, तो यहां पर देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18y, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 18y + 25/18 × 6, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 8y = 300 - 25 ये 18 है ना, -25, तो ये हो जाएगा आपका जो है 18y = 275।
तो ये आ जाएगा जो है आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 275/80। अब देखो ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड आ जाएगी, लेकिन ये मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी और हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ये जो स्पीड आएगी यहाँ से मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 18/5 का, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 5 जा 25, 5, 5 जा 25, ये आ जाएगा आपका 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई ये जो स्पीड आई है ना 275/18, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है, चूंकि हमने देखो इसको पहले किसे माना था, वाई बराबर मीटर पर सेकंड माना था, ठीक है ना, वाई मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो स्पीड थी उस व्यक्ति की उसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 55 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 126 मीटर एंड 114 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर मीटिंग। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही हैं, मिलने की कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। बताइए भाई 30 सेकंड में कि 50 सेकंड में कि 9 सेकंड में कि आपका जो है 12 सेकंड में, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी, आपका जो है इन चारों में क्या सही आंसर आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा कितनी देर बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर भाई ट्रेन है, दोनों की आपको लेंथ अलग अलग दी गई है, दोनों की स्पीड आपको अलग अलग दी गई है, ठीक है ना। तो अब जो डिस्टेंस है, चूंकि दो ट्रेनें हैं ना, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एक ट्रेन आपकी मान लो P है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसको L1 मान लेते हैं, वो है आपकी 126 मीटर। उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो Q है दूसरी ट्रेन, उसकी लेंथ कितनी है, L2 हमने उसको मान लिया, उसकी लेंथ है 114 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है, आपने कहा इसकी स्पीड है आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 30 है, 32 नहीं, कितनी है 30। अब देखो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, D बराबर S इंटू T, अर्थात डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, हमको यहां पे निकालना क्या है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम अर्थात समय, ठीक है ना। अब यहां पर देखो D कितना हो जाएगा, तो आपने कहा L1 प्लस L2, तो ये कितना है आपका 126 प्लस 124, कितना आ जाएगा, ये 6 4 10 की जीरो वहां से लाया, 1 2 2 4 1 5 1 1 2, 250 मीटर आ जाएगा। क्लियर, अब जरा यहां पे भाई आप क्या निकालने, स्पीड, तो बात हम करेंगे रिलेटिव स्पीड की, बात हम करेंगे रिलेटिव स्पीड की। जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 30 प्लस 42, ये हो जाएगा 72। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो 18 चौको 72, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, यहाँ पे 126, यहाँ पे 114 है भाई, यहाँ पे 124 क्यों ले लिया, 114 लो भाई इसको, ये गलत हो जाएगा ना फिर, ये कितना है आपका, ये 114 है, 114 है, 6 4 10 2 1 3 1 4 1 1 240 मीटर आएगा, ये फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना।
अब देखो कितना जगह रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, हमने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट भी कर लिया। अब कितना टाइम लगेगा, तो t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 0 0 कट जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। 12 सेकेंड बाद वे जो है एक दूसरे को पार कर जाएंगी, 12 सेकेंड बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 12 सेकेंड बाद वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। समझ में आया कैसे भैया? यहाँ पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, मतलब एक ट्रेन अगर इधर से आ रही है ईस्ट से, तो एक कहाँ से आ रही है वेस्ट से, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना है। ठीक है, तो भाई जब अपोजिट डायरेक्शन है तो जो स्पीड है, जब रिलेटिव स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अब दोनों की अलग अलग लेंथ भी है, ठीक है ना, तो भाई टोटल लेंथ हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल आपकी जो है जो लेंथ है वही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम कैसे निकला गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, तो कितना टाइम निकला आया, 12 सेकंड। क्लियर है, तो बहुत आसान है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया ना तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों टाइम ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इतना आसान है। ठीक है ना, बस हाँ एक बार आपको सही से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट अभी तक आपके क्लियर नहीं तो पहली क्लास से आपको पूरा पढ़ना है, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। नहीं फिर होगा सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे कैसे आ गया, सर 5/18 कहाँ से ले आया, 18/5 कैसे आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, भाई कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, भाई जैसे कोई काम आपको करना है, आपकी एक प्लानिंग होगी ना उस चीज़ को करने की, कि हाँ भाई मुझे अगर कल ये काम करना है, मुझे अगर घर में अपने फंक्शन कोई ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या ऐसे कर दूंगा कि हाँ चलो भाई मैंने हाँ कर दिया फंक्शन हो गया, नहीं, उसकी एक प्लानिंग है कि मुझे प्लान करना पड़ेगा पहले, कि हाँ भाई उसकी प्लानिंग क्या है, मैं कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है, क्या मुझे लोगों को खाने में खिलाना है, सारा कुछ पहले से डिसाइड होता है। उस समय केवल आप उसको क्या करते हैं, उसको जो है बोलते गए भाई खाने में ये करना है, ऐसा करना है, वो चीज़ें पहले से आपने तैयार कर रखी है। वही चीज़ एग्जाम के लिए भी है कि आपको पहले से हर चीज़ जो है पहले से तैयार रखनी है। एट ए टाइम पर तैयारी कुछ नहीं होती, उस टाइम पर केवल रिवीजन है कि हाँ भाई मैंने तैयार कर रखा है, यहाँ से आएगा तो मैं इसको इस प्रकार से दूंगा, यहाँ से आएगा तो मैं इसको ऐसे दूंगा। तो प्लानिंग पहले से तैयार रखिए, और प्लानिंग यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप ही बढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ना शुरू से आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक जो आप जब शुरू से पढ़ोगे, और इतने क्वेश्चन मैं खुद से आपको करा देता हूँ कि अगर इतनी ही क्लासी इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि भाई हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा, इससे बाहर थोड़ा ना कुछ जाने वाला है, आएगा तो यहीं कहीं ना कहीं से। तो इसलिए जो है कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हमेशा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा, सर कैसे कर पाए, कैसे ये जो है लेंथ आपने कैसे ऐड कर दी, डिस्टेंस आपने कैसे निकाल ली, डिस्टेंस और लेंथ ये सर कहाँ से क्या आप लेके आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने शुरुआत से चीज़ों को पढ़ा है उनको एक एक चीज़ समझ में आ रही कि हाँ भाई लेंथ जो है, जो हम लेंथ मान के चल रहे हैं, जो हम डिस्टेंस जिसकी जगह हम डिस्टेंस लिख रहे हैं बार बार, वो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ से है। ठीक है ना, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही हैं तो भाई दोनों की अलग अलग लेंथ है, दोनों लेंथ आपस में ऐड हो जाएंगी, वो आपकी डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है ना, अब भाई जैसे हमने अभी व्यक्ति एक व्यक्ति ट्रेन को क्रॉस कर रहा था, उस व्यक्ति की कोई लेंथ होती नहीं, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यदि व्यक्ति बात हो जाए, किसी पौधे की बात हो जाए, ठीक है ना, किसी पोल की बात हो जाए, तो इनकी कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है ना, हाँ जब इनकी, लेकिन अगर जैसे व्यक्ति है वो गतिमान है तो स्पीड में फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, स्पीड में फर्क पड़ेगा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी किए हैं। तो हर एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप एक ही चीज़ समझ जाएंगे तो अपने आप जब क्वेश्चन आएगा ना, अपने आप दिमाग आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ द टू ट्रेन्स इज 210 मीटर्स लॉन्ग,
वन ऑफ दीज ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द अदर इज कमिंग टूवर्ड्स दिस ट्रेन ऑन ए पैरेलल ट्रैक विथ अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर मीटिंग ईच अदर विल दिस ट्रेन क्रॉस द स्टेशनरी ट्रेन। दोनों ट्रेनों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी इसी ट्रेन की तरफ समानांतर ट्रैक पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। ठीक है, एक दूसरे से मिलने के कितने समय बाद यह ट्रेन स्थिर ट्रेन को पार करेगी? अब देखिए, एक ट्रेन स्थिर है, एक ट्रेन कांस्टेंट है, एक ट्रेन गतिमान है, एक ट्रेन गतिमान है, लेकिन अब लेंथ तो उसकी भी है ना, लेंथ तो उसकी भी जो खड़ी है उसकी भी लेंथ है भाई, जो ट्रेन खड़ी है उसकी भी लेंथ है। तो जब वह ट्रेन उस ट्रेन को क्रॉस करेगी, दोनों की लेंथ को बराबर क्रॉस करेगी, तो अब यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक की लेंथ कितनी है, प्रत्येक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 210 मीटर है। तो कितने समय बाद जो गतिमान ट्रेन है वह स्थिर ट्रेन को पार कर जाएगी, बताइए भाई? 18 सेकंड में, 55 सेकंड में, कि 38 सेकंड में, कि 15 सेकंड में? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये है जो गतिमान है, ठीक है ना, एक ट्रेन गतिमान है, ये चल रही है एकदम खच खच करके, और एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन यहाँ पर स्थिर खड़ी हुई है, ये भी ट्रेन है लेकिन ये भाई कुछ खराबी वजह से खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, ठीक है ना, खराबी वजह से या फिर उसका टाइम खत्म हो गया, वो खड़ी हुई है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, तो लेंथ तो दोनों की है, इसकी भी 240 मीटर है, 240 से 210 है, 210 मीटर लंबी ट्रेन ये भी है, 210 मीटर लंबी ट्रेन ये भी है, और 210 मीटर लंबी ट्रेन ये भी है, डिस्टेंस तो दोनों ट्रेनों की है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे डी की, अगर मैं बात करूं डी की, तो ये हो जाएगा 210 + 210, कितना हो जाएगा आपका 420 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी उसको तय करनी है, 420 मीटर की डिस्टेंस तय करनी है, 210 मीटर उसकी खुद की लेंथ है, 210 मीटर जो ट्रेन खड़ी है उसकी लेंथ है। अब एक ट्रेन जब जो दूसरी ट्रेन है जब वह स्थिर है तो उसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, उसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, स्पीड केवल पहले ट्रेन की जो ये गतिमान है, ये मान लो गतिमान ट्रेन है, ये आपकी स्थिर ट्रेन है, तो यहां पर जो स्पीड है वो किसकी, पहली ट्रेन की है, और स्पीड कितनी है उसकी, 84 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलिए कितना 5/18, ये आपका आ जाएगा जो है कितना, इसको ऐसे रख लो, ठीक है इसी प्रकार से रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड में स्पीड हमने ले ली। हमको टाइम निकालना है, हमको टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 420 अपॉन हो जाएगा 84 × 5/18 हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 420 × 18 / 84 है ना, ये 84 × 5, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40 = 242, ये 84 से इसको क्रॉस करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 18 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना समय लग जाएगा उसको क्रॉस करने में, तो आपने कहा 18 सेकंड में वह उसको क्रॉस कर जाएगी, 18 सेकंड में वह उसको क्रॉस कर जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई? दूसरी जो ट्रेन है वो गतिमान नहीं है, वो स्थिर है एक जगह, तो उसकी कोई स्पीड तो है नहीं, लेकिन हाँ लेंथ दोनों की है, लेंथ दोनों की है, क्लियर है? तो कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, 18 सेकंड में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन
एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 200 मीटर देन इन व्हाट टाइम विल बी क्रॉस ए। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, कितना समय लग जाएगा। दोनों के जो डायरेक्शन है वो एक ही है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बताइए भाई, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट 24 सेकंड लगेंगे, 2 मिनट 15 सेकंड लगेंगे कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। कितना समय लग जाएगा जो है जो ट्रेन बी है उसको ए को क्रॉस करने में, ठीक है ना। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही पॉइंट से चालू हुई हैं और एक ही समय पर चालू हुई हैं, ठीक है ना, एक ही समय पर चालू हुई हैं। देखो दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन बी है, दूसरी ट्रेन जो है बी है, क्लियर। ये ए है और ये बी है, दोनों भाई चालू हो गए, ये भी गतिमान है और ये भी गतिमान है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में। अब दोनों की जो लंबाई है वो 240 मीटर है, इसकी भी लेंथ 240 मीटर है और इसकी भी लेंथ 240 मीटर है। स्पीड की अगर बात करें तो अब मान के चलो कि अगर ये ट्रेन ए है ये ट्रेन बी है तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड तो आपने कहा ट्रेन ए की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रेन बी की स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, ये इनकी स्पीड है। अब देखो अगर हम यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो चालें आपस में घट जाएंगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं रिलेटिव स्पीड की, सापेक्षिक चाल की, रिलेटिव स्पीड की, तो आप बोलेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 72 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है ना, पर घंटे। अब देखो यह चाहेगा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दूरी दी गई है अर्थात जो लेंथ दोनों की दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो आप इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट जब करेंगे कितना हो जाएगा, 12 × 5/18, इसको और इधर लिख लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 × 5/18, किससे कट जाएगा, 6 से, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, यह जाएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड आ गई, ठीक है ना। अब देखो जो बी है वह ए को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, तो आपने कहा टी बराबर हो जाएगा, अब डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा 240 + 240, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 10/3, कितना हो जाएगा ये आपका 0, तो 2 × 2 = 4, 480 गुणे हो जाएगा आपका 3/10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा ये आपका 3 × 8 = 24 और 3 × 2 = 12, 2 = 14, 144 सेकेंड आएगा। 144 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 144 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट 24 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड आपका आंसर हो गया। कितना टाइम आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 144 सेकेंड, 144 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट 24 सेकेंड, कितना हो गया 2 मिनट 24 सेकेंड, क्लियर है। चाहे 144 सेकेंड कह दीजिए चाहे 2 मिनट 24 सेकेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी 2 मिनट 15 सेकेंड नहीं 2 मिनट 24 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा। अगर हम सेकंड की टोटल बात करें तो 144 सेकंड आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, 144 सेकंड या 2 मिनट 24 सेकंड, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम अ ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ ट्रेन ऑफ लेंथ 270 मीटर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय पर पार करेगी, बताइए भाई कितने समय पर पार करेगी। वो समय आपको बताना है, 22 सेकंड पर कि 17 सेकंड कि 38 सेकंड कि 76 सेकंड, कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितनी देर में वह उसको पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो आपने कहा कि यहां पर भी देखो, अब यहां पर जो है दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों की अलग अलग लेंथ है। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है जो दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, जो दूसरी है वो विपरीत दिशा से आ रही है, एक जो है अगर ईस्ट से आ रही है तो एक जो है वेस्ट से आ रही है, ठीक है ना। तो अब दोनों इस प्रकार से चल रही हैं, दोनों जो है गतिमान हैं और ये चल रही है इधर की तरफ, तो दूसरी भी गतिमान है, ये चल रही है इसकी तरफ ऐसे, तो ये जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो भाई इनकी जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की जब बात आती है तो भाई रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में दोनों चालें आपस में घट जाती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आपने कहा 240 मीटर, और एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपने कहा 270 मीटर, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 240 प्लस 270 कितना आ जाएगा, ये तो आपने कहा 0 7 4 11 के एक हासिल आया, 1 2 2 4 1 5 510 मीटर आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहां पे रिलेटिव स्पीड की तो यहां पे डायरेक्शन चूंकि दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन है, तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा आपका ये 8 6 4 10 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 108 गुणे 5 बटे 18, 18 छक्के 108 होता है, 6 5 30 होता है, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अब टाइम निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो आपने कहा t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी है 510, टाइम स्पीड कितनी है 30, तो 0 0 कट गया, 17 51 17 सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा 17 सेकंड लग जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी को क्रॉस करने का समय लग जाएगा 17 सेकंड लग जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 90 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 90 मीटर आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी, बताइए भाई कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी, 8 सेकंड बाद कि 11 सेकंड बाद कि 6 सेकंड बाद
कि 14 सेकंड बाद। क्या आपका सही आंसर आएगा? कितने समय बाद जो है वे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी? तो यहां पर जो है दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है ना, और यहां पर ध्यान रखिएगा उनके बीच की जो दूरी है वो 90 मीटर की दी गई है। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा, 8 सेकंड होगा कि 11 सेकंड होगा कि आपका 6 सेकंड होगा कि आपका 14 सेकंड होगा? तो देखिए भाई यहां पर जो है आपको ट्रेन, दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है ना। एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 120 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की कितनी है लेंथ, तो आपने कहा 90 मीटर है, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी भी दी गई है 90 मीटर। तो अगर मैं बात करूं तो देखो दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में, ठीक है ना, दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर, तो अर्थात दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर जो है टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा भी एक ट्रेन ये है, ठीक है ना, और एक ट्रेन ये है, दोनों एक दूसरे की ओर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, ठीक है ना, दौड़ रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, आपने कहा 120 मीटर, इसकी कितनी है, तो आपने कहा 90 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा इसकी स्पीड कितनी दी गई है, इसकी स्पीड कितनी दी गई है, आपने कहा इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 90 मीटर है। तो अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा कि भाई डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन अर्थात 120 प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अर्थात 90 प्लस इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, 0 0 0, तो 0 आ जाएगा, 9 9 18 18 2 20, तो 0 आ जाएगा, और 1 1 2 कितना आ जाएगा आपका, 200 मीटर आएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा भाई, 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0, 9 9 18 2 20 की 0, तो हासिल आया आपका 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 300 आएगा भाई, कितना आ जाएगा 300, 120 तो केवल यही हो गया ना, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका टोटल 300 मीटर। ये क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस। अब जरा स्पीड की बात कर लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जब ओर आ रही हैं तो जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो यहां पे अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, यहां पे अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो आपको पता है कि जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है, तो जाएगा 80 प्लस 55 जाएगा 5 8 5 13, 135 किलोमीटर पर घंटे आपकी स्पीड आएगी। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने कहा 135 × 5/18, ठीक है ना, किसी से कटेगा क्या, ये 3 से कटेगा, तो आपने कहा 3 से कट जाएगा, देखो 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15 × 3 = 18, 3 से फिर कट जाएगा, 15 × 3 = 45, 3 × 2 = 6, 15 × 5 = 75, 75/2 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी, क्लियर। अब आप टाइम निकाल लीजिए, टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, स्पीड कितनी है 75/2, तो 2 पर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 4 5 4 टाइम जाएगा क्या 4 5 20, तो 0, 2 कैरी हुआ, 4 7 20, 2 बिल्कुल 4 टाइम जाएगा, तो 4 2 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा दूसरे को पार करने में, 8 सेकंड का समय लग जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। कितना समय लग जाएगा, 8 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को उनको पार करने में, क्लियर।
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पर्संस आर गोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन इन विच अ ट्रेन इज गोइंग। दिस ट्रेन क्रॉसेस देम इन 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए भाई रे जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है। 40 मीटर, 85 मीटर, 90 मीटर की 50 मीटर। तो अब देखिए जो दो व्यक्ति हैं क्या इनकी कोई लेंथ है क्या। आपने कहा नहीं इनकी तो कोई लेंथ नहीं है भाई। जो ट्रेन की लेंथ होगी ट्रेन को उतनी ही दूरी कवर कर रही है ठीक है ना अपनी लेंथ के बराबर और हमको ट्रेन की लेंथ ही तो बतानी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमको अब डिस्टेंस निकालनी है और इन दोनों व्यक्तियों की तो कोई डिस्टेंस है नहीं ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने मान लिया कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज डी। क्या मान लिया डी अर्थात जो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी ठीक है ना। अब देखो दो व्यक्ति हैं जिनको जिनकी जो स्पीड दी गई हो एक की 2 किलोमीटर प्रति घंटे है एक की 4 किलोमीटर प्रति घंटे है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है ना तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा। स्पीड की अगर बात करें तो एक की स्पीड कितनी है एक की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे एक की है 2 किलोमीटर प्रति घंटे तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटे इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई एक को 9 सेकंड में और एक को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो अगर डिस्टेंस बराबर बात करें तो क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड कितनी है 2। अब देखो ये 2 किलोमीटर पर घंटे है इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे जो है भाग दे देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कर देंगे 9 इंटू कर देंगे 10। एक को 10 सेकंड में और एक को 9 सेकंड में क्या कर देती है पार कर जाती है। तो ये हो जाएगा अब देखो जरा इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 2 से 2 कट जाएगा 5 10 जा आपका हो जाएगा 50। तो कितनी आपकी दूरी आ जाएगी अर्थात उसकी कितनी लंबाई डिस्टेंस आ जाएगी ट्रेन की 50 मीटर। तो 50 मीटर लंबी ट्रेन है तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है समझ में मेरी बात आई भाई। दो व्यक्ति जिनको क्रॉस कर रही है एक की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे है एक की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब उनकी तो कोई डिस्टेंस है नहीं उनकी तो कोई लेंथ है नहीं तो जो ट्रेन है वह अपनी लेंथ के बराबर तो दूरी कवर करेगी ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो हमको उसकी लेंथ ही तो निकालनी थी तो रिलेटिव स्पीड कितनी दोनों की आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक को 9 सेकंड में और एक को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो कितना समय कितनी जो है उसको दूरी कवर करनी है 50 मीटर की और जो यह डिस्टेंस निकली है यही तो ट्रेन की लेंथ है ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पर्सन कमिंग अलोंग द रेलवे लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स फ्रंट एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है स्पीड ऑफ ट्रेन आपको बताना है। 85.3 किलोमीटर पर आवर है कि जो है 83.4 किलोमीटर पर आवर है कि 83 किलोमीटर पर आवर की नौ दिन में से कोई नहीं। तो आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई अब यहां पर जो है एक रेलगाड़ी अपने सामने से
आ रहे व्यक्ति को। तो अब जो ट्रेन है, ट्रेन कुछ ऐसे जा रही है इस प्रकार से, और व्यक्ति इसके सामने से आ रहा है, व्यक्ति जो है इसके सामने से इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, व्यक्ति की तो कोई लंबाई ही नहीं है। इसकी स्पीड कितनी है वो आपको बतानी है, इसकी स्पीड आपने मान ली कितनी, कुछ भी मान लीजिए, मान लो हमने x किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड मान लिया, मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, आपने कहा 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में मान लो, ठीक है, दोनों को ऐड करने में आसानी रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है कह रहा है कि उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है, किसको, व्यक्ति को। तो टाइम कितना है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 240 मीटर, चूंकि व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड की बात होगी, चूंकि भाई दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, व्यक्ति सामने से आ रहा है, ट्रेन उसकी तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसकी स्पीड मैंने यक्स मानी है, इसकी 3 दी गई है, तो यक्स प्लस 3 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसमें 5/18 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में स्पीड, मीटर पर सेकेंड में स्पीड हो जाएगी। टाइम कितना दिया गया है, आपने कहा टाइम यहां पर जो है दिया गया 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो टाइम दिया गया है 10 सेकंड, टाइम आपको दिया गया है 10 सेकंड, ठीक है ना, टाइम दिया गया आपको 10 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 240 बराबर एक्स प्लस 3 इंटू 5/18 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये, 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। अब देखो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, 9 का इधर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका जो है 900, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18 और 3 = 21, 2160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, तो 25x हो जाएगा और प्लस का 75 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 25x बराबर आ जाएगा 2106 − 75, कितना आ जाएगा ये, जरा इसको सॉल्व करो भाई, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, ये 2160 है जी, 2160 है, कितना है, ये है 2160 − 75, कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा आपका 2, इसको जरा 25 से भाग दे दो, इसको जरा 25 से भाग दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। जब 25 से भाग कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25 × 8 = 200, और ये कितना आ जाएगा आपका, 25 × 8 = 200 हो गया, कितना बचेगा आपका 85, तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, 83.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x जो आपने माना है वो किलोमीटर पर आवर में माना, ध्यान रखिएगा, x जो है आपने जो उसकी स्पीड मानी थी वो x किलोमीटर पर आवर मानी थी, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, 83.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन करा कि ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इफ द ट्रेन क्रॉसेस दैट पर्सन इन 48 सेकेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो 220 मीटर है कि 310 मीटर है कि 200 मीटर है कि 275 मीटर है, तो अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालनी है, और जो व्यक्ति है वह उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। देखो
अगर ट्रेन जो है, जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये जा रही है अगर इस डायरेक्शन में, तो जो व्यक्ति है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी जो चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। तो जब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो चालें आपस में घट जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा हो जाएगा 30 माइनस 15, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो है, जो समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, तो यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो है दिया गया है 48 सेकंड में वह उसको पार कर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इंटू कर दो आप 48, ठीक है ना, इंटू कर दो 48। भाई स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस बराबर, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी जो हमारी ये ट्रेन है उसकी जो लेंथ है, अर्थात ये डी को हमने मान लिया उसकी लेंथ, ठीक है ना। तो डी क्यों ही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी ये है, इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 6 48, 3 5 15, 5 5 25, 8 2 100, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अर्थात उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार सही से क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आंसर आपके सामने होगा, तुरंत, बिल्कुल बहुत आसान टॉपिक होता है ये, बस एक बार सही से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो कितनी लंबाई आ जाएगी ट्रेन की, 200 मीटर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन हूज स्पीड आर इन द रेशियो 3:4 आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। इफ ईच ऑफ ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। बताइए भाई कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, 4 सेकंड में, 9 सेकंड में, 21 सेकंड में, कि 3 सेकंड में। कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, यदि खंभे को जो है 3 सेकंड में पार कर जाती हैं तो। तो देखिए यहां पर जो है दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना, दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो दिया गया है। मान लो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, दोनों की स्पीड का रेशियो कितना, 3:4 है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है, यह इनकी स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले, अर्थात जो पहली रेलगाड़ी ए है वह भी इसको 3 सेकंड में पार कर जाए, जो दूसरी रेलगाड़ी आपकी बी है वह भी इसको 3 सेकंड में पार कर जाए। तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से इन दोनों की क्या मिल जाएगी हमको, डिस्टेंस मिल जाएगी, अर्थात लेंथ मिल जाएगी। तो अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा ए की जो है लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा भाई 3 सेकंड, 3 स्पीड इसकी दी गई है और 3 सेकंड में इसको पार कर जाती है, तो 9 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं तो यह इसकी स्पीड 4 है, यह 3 सेकंड में यह भी खंभे को पार कर जाती है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 12 मीटर। यहां तक मेरी बात समझ में आई, क्योंकि जब यह खंभे को पार करेगी तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही दूरी तो ये चलेगी, क्योंकि खंभे की तो कोई लेंथ ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, 3, और इसकी कितने सेकंड पार करती है, 3 सेकंड में, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 मीटर। इसकी 3 × 4 12 मीटर। अब दोनों की लेंथ आपको मालूम चल गई, ठीक है ना, दोनों की लेंथ आपको मालूम चल गई, दोनों की स्पीड आपको पता है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जरा देखें,
अगर मैं बात करूं अब डी की, तो डी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपने कहा 9 + 12 ये हो जाएगा 21 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगी 21 मीटर, ठीक है ना। टाइम हमें निकालना है अर्थात टी हमें निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा यहाँ पे बात होगी रिलेटिव स्पीड की। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। तो t बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 21 मीटर, स्पीड है आपकी 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 × 3 आपका हो जाएगा 21, 3 सेकेंड आपका सही आंसर आ जाएगा। 3 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, 3 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, क्लियर है। क्लियर भाई, एक यहां से इनकी क्या निकाली, लेंथ निकाल ली, एक की 9 मीटर है, एक की 12 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी इनको कवर करनी है, 21 मीटर, ठीक है ना। इनकी जो स्पीड है, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो स्पीड हो जाएगी आपकी 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेकेंड में एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएंगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन ट्रैक्स पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर एंड 46 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द अदर ट्रेन इन 36 सेकेंड, वॉट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है बताइए। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की जो डायरेक्शन है इन ट्रेन की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो इसकी भी डिस्टेंस अकार लेंथ आपने डी मान ली, इसकी भी आपने डी मान ली, जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो डी प्लस डी आएगी अर्थात 2D आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई दोनों ट्रेन की अलग अलग लेंथ होगी ना। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक की मतलब कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, फिर भी जो है उसकी इसकी लेंथ कुछ होगी, इसकी जो इसकी होगी वही इसकी होगी, लेकिन होगी दोनों की, ठीक है। तो अब जरा देखो इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 56 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 46 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें मिल जाएगी रिलेटिव स्पीड, और ये जो है एक दूसरे को 36 सेकेंड में पार कर जाती हैं, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर यहां पे मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की तो आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56 - 46, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5/18 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है वो आपको निकालनी है, तो यहाँ पे डी प्लस डी होगा, ध्यान रखना डी प्लस डी होगा, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस लेंथ हमने डी मानी, इसकी भी हमने डी मानी है, तो डी प्लस डी हो जाएगा, और डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू 36, तो जो 36 सेकंड में दूसरे को पार कर देते, समय कितना दिया है 36 सेकंड, इसको जरा सॉल्व कर लो, 18 × 36 तो कितना हो जाएगा 50 × 100, ये हो जाएगा आपका जो है 2D इक्वल्स टू हो जाएगा 100 के, तो D इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, आपने कहा 100/2, ये हो जाएगा आपका 50 के। तो जो डिस्टेंस है अर्थात जो लेंथ है उसकी, वह एक ट्रेन की 50 मीटर है, एक ट्रेन की लेंथ 50 मीटर है, तो दूसरे की 50 है, क्योंकि दोनों की समान लेंथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन B आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक की 50, दूसरे भी क्या आएगी आपकी 50 मीटर निकल के आ जाएगी, तो कितनी लेंथ हो जाएगी 50 मीटर, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुड्स ट्रेन्स ईच 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन
ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल द स्लोअर ट्रेन पास द ड्राइवर ऑफ द अदर ट्रेन। दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें यहां पर जो है, तो अब दोनों ट्रेन है, ठीक है ना, दोनों ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और भाई एक ट्रेन ये है। दोनों की जो है, दोनों की जो है क्या है, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। इसकी लेंथ कितनी है, तो उसने कहा कि दोनों की 500 मीटर लेंथ है, इसकी भी 500 मीटर है, इसकी भी 500 मीटर है। अब कह रहा है कि जो ये एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की ट्रेन में बैठे ड्राइवर को, ठीक है ना, दूसरे धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो आपने कहा कि भाई जब तक वह पूरी ट्रेन को नहीं क्रॉस कर जाएगी, जब तक वह पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक वह ड्राइवर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो पूरी ट्रेन को जब वह क्रॉस कर जाएगी तो ड्राइवर को भी क्रॉस कर जाएगी। तो आपने कहा कि यहां पर जो लेंथ आएगी, जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना, जो डिस्टेंस आएगी कितनी आ जाएगी, 500 हो गई इस ट्रेन की, 500 हो गई इस ट्रेन की, टोटल हो गई आपकी 1000, ठीक है ना, 1000 मीटर हो गई। अब देखो यहां पर जो है, अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहां पर जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी, और रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, दोनों जो है विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 30, कितना हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमको टाइम निकालना है कितने देर में वह जो है उसको क्रॉस कर जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1000 अपॉन हो जाएगा 75 इंटू हो जाएगा 5/80, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 इंटू 18 अपॉन हो जाएगा आपका 75 इंटू 5, इसको जरा सॉल्व करो भाई, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, तो 3 × 18 और 5 × 8 = 40, 6 × 8 = 48, 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 48 सेकेंड, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 48 सेकंड में वो उसको पार कर जाएगी। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ट्रेन्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।